नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी F41। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले कि आप किस तरीके से अपने फोटोज़ और वीडियोस को अपनी गैलरी में से हाइड कर सकते हो। अगर आपको कोई फोटो और वीडियोस आपकी गैलरी में नहीं दिखानी है तो आप उसे हाइड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या, मान लो यहाँ पे गैलरी में मैंने कुछ पिक्स लिए हुए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने मेरी सेल्फीज़ ली है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 सेल्फीज़ यहाँ पे दिख जाती है। अगर इन 4 सेल्फी को मुझे हाइड करना है तो मैं यहाँ से कैसे करूँगा? तो आपको माय फाइल्स में जाना है, माय फाइल्स ओपन करना है, फिर आपको जाना है इमेजेस में, और जो भी फोटोज़ आपको हाइड करनी है आपको उस पर लॉन्ग प्रेस करना है। फिर आपको यहाँ पे मोर में जाना है, थ्री डॉट्स में, फिर आपको यहाँ पे रीनेम करना है, और फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डॉट देना है, फुल स्टॉप देना है, फुल स्टॉप, और फिर आपको रीनेम कर देना है। तो देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे जो फोटो है वो हाइड हो चुकी है। आप इस तरीके से दूसरे फोटोज़ को भी कर सकते हो। दोस्तों, जो भी मेरी सेल्फीज थी यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाइड कर लिए। अब आप देखोगे गैलरी में जाके तो आपको जो फोटोज़ थी मेरी यहाँ पे सेल्फी, वो आपको यहाँ पे अभी नहीं दिखाई देगी क्योंकि मैंने उसे हाइड कर दिया है। अगर आपको इस वीडियो को भी हाइड करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो वीडियो है, आपको इस वीडियो को भी ऐड करना है, तो आप माय फाइल्स में जाइए, आप वीडियोस में जाइए, और ये जो वीडियो है आपको उस पर लॉन्ग प्रेस करना है। सेम वही प्रोसीजर करनी है आपको, रिनेम करना है। शुरुआत में आपको यहाँ पे डॉट देना है, फुल स्टॉप, और फिर रिनेम कर देना है। यहाँ पे आपको वीडियो भी अभी देखने नहीं मिलेगा। अब गैलरी में भी जाओगे आप तो यहाँ पे जो वीडियो था वो भी आपको नहीं देखने मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो भी फोटोज़ है, वीडियोस है, जो आप गैलरी में नहीं दिखाना चाहते, आप उन्हें हाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप उन्हें वापस दिखाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप माय फाइल्स में जाइए और फिर आप यहाँ पे होम स्क्रीन में, माय फाइल्स के होम स्क्रीन में सेटिंग्स में जाइए और फिर आपको शो हिडन फाइल्स, इसको इनेबल कर देना है। आपकी जो फोटोज़ होंगी कैमरे से ली हुई आपको यहाँ पे मिल जाएगी DCIM में। अगर आपने कोई डाउनलोड की होंगी तो आपको मिल जाएगी डाउनलोड फोल्डर में। तो मुझे, मैंने क्लिक की थी फोटोज़ तो मुझे मिल जाएगी DCIM में, DCIM में कैमरे में मिल जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी मैंने हाइड की थी फोटोज़ या वीडियो वो ग्रेज कलर में दिख रही है। तो आपको इसे अगर गैलरी में दिखाना है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके उसी तरह से रिनेम करना है, और जो सामने पहला जो डॉट था उसको आपको यहाँ पे इरेज करना है, हटा देना है, फिर आपको रिनेम करना है। तो जो फोटो है वो अनहाइड हो चुकी है। अगर इसे भी मुझे करना है तो मैं सेम वही करूँगा। तो अब आप देखो कि दोनों सेल्फी मैंने यहाँ पे अनहाइड कर दी है। तो अब आप गैलरी में जाओगे तो आप देख सकते हो दोनों सेल्फी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप इस तरीके से अपने फोटोज़ और वीडियोस को अपनी गैलरी से हाइड कर सकते हो, और फिर अगर आप चाहते हो तो आप उन्हें अनहाइड भी कर सकते हो। हालांकि इसमें आपको कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप जो फोटोज़ है, वीडियोज़ है, आसानी से इस तरीके से हाइड अनहाइड कर सकते हो अपनी गैलरी में। दोस्तों, अगर मान लो आपको कोई फोटोज़ या म्यूज़िक या कॉल रिकॉर्डिंग हाइड करनी है, वो भी पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ, तो मतलब बिना पासवर्ड के या बिना फेस या फिंगरप्रिंट के उसे कोई एक्सेस ना कर पाए, अगर आपको इस तरीके से आपके फोटोज़ या कॉल रिकॉर्डिंग म्यूज़िक को हाइड करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। मान लो गैलरी में से मुझे कोई जो फ़ोटो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हाइड करना है, लॉक करना है, तो मान लो मुझे जो लास्ट वाले कुछ 6 फोटोज़ हैं मुझे इन्हें हाइड करना है, तो मैं इन्हें करूँगा शेयर। आपको यहाँ पे करना है शेयर, और फिर आपको यहाँ पे क्रिएट नोट एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर क्रिएट नोट ना दिखाई दे तो आप सैमसंग नोट को भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट नोट, और फिर यहाँ पे जो आपकी फ़ोटोज़ है इस नोट में आ जाएंगी। फिर यहाँ पे आपको जो सेव ऑप्शन है ऊपर में, उस पर क्लिक करना है, सेव कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट्स आपको दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर में, उस पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे करना है लॉक। लॉक करने पर आपको यहाँ पे ओके करना है, साइन इन करना है, ओके कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए, और फिर आपको कोई भी जो पिन है दे देना है 4 नंबर का, और यहाँ पे आएगा अल्सो यूज़ फिंगरप्रिंट, तो आपको फिंगरप्रिंट भी यूज़ करना है, तो यहाँ पे टिक करिए और कंटिन्यू करिए, वापस अपना पिन डालिए, ओके करिए। तो दोस्तों, फिर जो फोटोज़ है ये सैमसंग नोट में आपको मिल जाएंगी। आपको सैमसंग नोट्स में जाना है, आप यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग नोट्स में, और फिर आपको यहाँ पे अलाउ करना है, और आप देख सकते हो यहाँ पे इसे आपको ओपन करना है। लेकिन आप इसे ओपन करने का ट्राई करोगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाएगा, या फिर आप फिंगरप्रिंट से भी इसे ओपन कर सकते हो। मान लो मुझे फिंगरप्रिंट देना है यहाँ पे,
तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे फिंगरप्रिंट देने के बाद ही जो फोटोज़ है मैं इन्हें यहाँ पे देख सकता हूँ। लेकिन दोस्तों याद रखिए जो फोटोज़ है ये गैलरी में अभी भी मौजूद है, तो आपको क्या करना है गैलरी से इन्हें डिलीट कर देना है। डिलीट करिए आप यहाँ से, और फिर डिलीट करने के बाद भी जो फोटोज़ है डिलीट नहीं होंगी, ये जाएंगी रिसाइकल बिन में। तो आपको रिसाइकल बिन में जाना है, यहाँ पे रिसाइकल बिन यहाँ पे ऑप्शन लगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और फिर जो फोटोज़ आपने अभी डिलीट किए थे उनको वापस आपको यहाँ से भी डिलीट कर देना है ताकि रिसाइकल बिन में भी ये ना दिखे। डिलीट कर दीजिए। तो अब ये फोटोज़ जो है पूरी तरह से डिलीट हो चुके हैं। अब आपको ये फोटोज़ मिलेंगे ओनली सैमसंग नोट्स में, और ये आप तभी ओपन कर पाओगे तब आप पासवर्ड या फिंगरप्रिंट यूज़ करोगे तब। इसके अलावा कोई भी इसे एरा गैरा ओपन नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगर मान लो आपको ये जो फोटोज़ है फोटोज़ में से मान लो इस फोटो को आपको वापस गैलरी में दिखाना है, वापस गैलरी में डालना है, तो आप कर सकते हो। आपको लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा सेव इन गैलरी का ऑप्शन, आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट में आपको उस पर क्लिक करना है। तो अब ये जो फोटो है ये गैलरी में आ चुकी है। तो अब आप अभी गैलरी देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो फोटो है ये गैलरी में आ चुकी है। दोस्तों अगर मान लो आपको कोई सॉन्ग या कॉल रिकॉर्डिंग भी लॉक करनी हुई इसी तरह से आप, तो वो कैसे करोगे? आपको सैमसंग नोट्स में जाना है, और फिर आपको यहाँ पे नई नोट बनानी है एक, तो यहाँ पे प्लस के साइन पे आपको क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पे अटैच का आइकॉन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे अटैच का आइकॉन, आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर वॉइस रिकॉर्डिंग है तो वॉइस रिकॉर्डिंग, और अगर ऑडियो फाइल है तो ऑडियो फाइल, तो आपको ऑडियो फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक मेरी म्यूजिक फाइल है, मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और डन कर दूंगा। ये इस तरीके से हाइड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे सेव करना है, और यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाके आपको वापस इसे लॉक करना है। तो अब ये लॉक हो चुकी है। अब आप इसे ओपन करोगे तो आपको पासवर्ड या फिंगरप्रिंट पूछा जाएगा, आपको उसे एक्सेस करना है, तब जाके जो फाइल होगी वो ओपन होगी, और आप फिर म्यूजिक फाइल्स में जाके जो फाइल है म्यूजिक की ऑडियो फाइल, ये आप देख सकते हो यही फाइल है जो मैंने हाइड की है, उसे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो अब ये जो फाइल है डिलीट हो चुकी है यहाँ से, अभी वो फाइल्स ओनली है सैमसंग नोट्स में। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फोटोज़ को, म्यूज़िक को और वॉइस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे हाइड कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, आपके फिंगरप्रिंट और आपके पासवर्ड के बिना कोई भी इसे ओपन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।